प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दें, एग्जिट पोल के तमाम नतीजों को लेकर अनुप्रिया पटेल कह रही हैं बीजेपी को 230 से 250 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि एनडीए 300 प्लस सीटों के साथ एक बार फिर यूपी की सत्ता में आएगा। ऐसी खबरों के बीच, अनुप्रिया पटेल के ऐसे दावों के बीच, उनका जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें अनुप्रिया पटेल से सवाल किया गया है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कौन बनेगा आखिर मुख्यमंत्री। सवाल अनुप्रिया पटेल से ये किया गया कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा यादव जाति से मुख्यमंत्री अगर हों तो कुर्मी जाति से भी हो सकते हैं, क्या अपने लिए कोई टारगेट तय किया है कब तक मुख्यमंत्री बनना है। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल से जब सवाल किए गए कि क्या बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ सकती थी, अनुप्रिया पटेल ने तल्ख लहजे में कहा, मैं बीजेपी की सहयोगी ज़रूर हूँ लेकिन ये तय करना मेरा काम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री चेहरा किसे बनाएंगे। बीजेपी को अपना मुनाफा अपने नुकसान का खुद ख्याल है, उनका जो भी चेहरा होगा मैं उनके साथ ही हूँ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।